हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित कुमार आज स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बस एजुकेशन में। तो कल हमने वेक्टर कंप्लीट कर लिया था, तो अब वेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें रूल है, वो रूल आप सुन लीजिए। रूल है कि मेरे करने से पहले आपको खुद से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना पड़ेगा। और मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था, तो मैंने अच्छा सा क्वेश्चन किसी बुक से चुना हुआ है। तो बस जितना दे दिए इससे ज़्यादा वेक्टर में नहीं आएगा, आने के चांस नहीं है। जितना तक जा सकता है हमने क्वेश्चन किया, और जो क्वेश्चन बचेगा वो हम थ्री डी में देख लेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि आप पहले खुद से ट्राई करना। ठीक है, एक मिनट दो मिनट टाइम लीजिएगा, दो मिनट से ज़्यादा नहीं, एक दो मिनट टाइम दीजिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा। वेक्टर ए दिया हुआ, वेक्टर बी दिया हुआ, आपको बोल रहा है वेक्टर ए प्लस बी क्या होगा और वेक्टर ए माइनस बी क्या होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है? ए प्लस बी पूछ रहा है, ए माइनस बी पूछ रहा है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी हमें पूछ रहा है, एंड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये चार सवाल हमको पूछ रहा है। उसे दिया था वेक्टर ए प्लस बी पूछ रहा था क्वेश्चन में, पर हमने बना के चार कर दिया ताकि एक ही में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं कैसे बनता है सवाल। हाँ तो स्टार्ट करते हैं, पहले आप एक बार ट्राई कर लीजिए। ट्राई हो गया, हम करें। चलिए पहले वेक्टर ए प्लस बी, सिंपल वेक्टर ए प्लस बी किसको जोड़ना है? अगर आई है तो आई वाला साथ जोड़ना है। ठीक है, क्या होगा? टू आई कैप प्लस आई कैप क्या होगा? थ्री आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू, तो माइनस थ्री प्लस टू तो माइनस जे कैप, प्लस फोर कैप माइनस के, तो फोर में से प्लस थ्री कैप। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो गया माइनस। उसी तरह आपको खुद से करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है किसे? हाँ, डॉट प्रोडक्ट जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करना है। तो वेक्टर ए हमको क्या दिया? वेक्टर ए हमको दिया हुआ है टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के कैप, ठीक है, इनटू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लाई, क्या होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इतना दिया हुआ, अब मल्टीप्लाई करते हैं, टू आई कैप इंटू आई कैप, तो क्या होगा? टू टू इंटू उसको ले सकते हैं आई कैप डॉट आई कैप, कोई दिक्कत, फिर इसको इससे करेंगे प्लस टू इंटू टू फोर आई कैप डॉट जे कैप प्लस टू इंटू टू क्या होगा? माइनस टू आई माइनस के, तो क्या होगा? टू इंटू आई कैप इंटू के कैप। ठीक है, अब इसको थ्री करेंगे तो क्या होगा? माइनस थ्री, तो थ्री माइनस थ्री जे इंटू जे डॉट आई माइनस थ्री प्लस टू कितना हो गया? माइनस सिक्स, माइनस सिक्स तीन दूनी छः माइनस सिक्स जे कैप डॉट जे कैप प्लस हुई माइनस प्लस है माइनस। ठीक है, हम वही कर रहे हैं, पहले इसको इससे किए, फिर इसको इससे किए, फिर इसको इससे किए, अब वही हम क्या कर रहे हैं? अब वही हम क्या करिए, ये थ्री आप पहले इससे करेंगे, फिर इसको इसके करेंगे, फिर इससे इसके करेंगे, वही कर रहे हैं। ठीक है, इसको कर दिए, अब इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस थ्री जे कैप डॉट के कैप। ठीक है, उसी तरह आप उसी तरह फिर इसको चलिए कर ही लेते हैं, प्लस फोर के डॉट आई कैप प्लस प्लस एट एट के कैप डॉट जे कैप माइनस फोर के डॉट के कैप। देखिए, अब हम आपको पहले बता चुके हैं कि आई डॉट आई क्या होगा? वन, और आई डॉट अदर, अदर होगा तो वो क्या होगा? जीरो। मतलब कि अगर सेम रहा तो वन, अगर अदर रहा तो जीरो। अब देखिए, सेम रहा तो वन हो जाएगा, अदर रहा तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी, हाँ ये भी जीरो हो गया, ये सेम है, छोड़ देंगे इसको, ये भी जीरो हो गया, ये भी इधर, ये भी जीरो हो गया, ये इधर, ये भी जीरो हो गया, तो बचा क्या? टू आई डॉट आई वन, ख़त्म ख़त्म ख़त्म, हाँ माइनस आई डॉट जी डॉट जी वन, तो सिक्स ख़त्म ख़त्म, हाँ तो माइनस फोर के डॉट के फोर। ठीक है, तो हो गया टू माइनस टेन, क्या हो गया? माइनस एट। ठीक है, अब डॉट पर क्रॉस प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे? जैसे देखिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो बता चुके कैसे करना है, डिटरमिनेंट मेथड से। ठीक है, डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट उसके क्या करें, पहले आई जे के हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखें, ठीक है, वेक्टर ए हमको क्या दिया? वेक्टर ए दिया हमको ये दिया हुआ है, और वेक्टर बी हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, आई जे क्या दे दिया? अब वेक्टर ए का आई कंपोनेंट क्या है? दो दे दिए, जे कंपोनेंट माइनस थ्री, के कंपोनेंट फोर, और बी का वन, इसका टू ई माइनस वन। अब हम इसको डिटरमिनेंट में से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसका हम वीडियो लेक्चर में दे चुके हैं कैसे करना है। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा, आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे कंसेप्ट ले लूँगा, तो करना है खुद से ईमानदारी से।
ठीक, क्वेश्चन नंबर दो में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दो क्या बोलता है, बोलता है इफ सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड ए बी देन, इसमें कंडीशन आपको चूज करना है। ये एक्चुअली कि एक्चुअली यहाँ तो ऑप्शन दे दिया ना, तो ये एक्चुअली अगर बिहार बोर्ड में पूछेगा तो आपका शॉर्ट आंसर टाइम में हो जाएगा, शॉर्ट नहीं लॉन्ग नहीं शॉर्ट में पूछ सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, पर हाँ अच्छे समझ लीजिए कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला, बोला इफ सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, मान लीजिए कोई ए बी पॉइंट, क्या बोला इफ सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, मान ए से बी को लाइन है, इसका मिडिल पॉइंट क्या है सी, इफ सी इज द मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड ए बी, पी कोई पॉइंट है जो ए बी के आउटसाइड, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट पी हो गया, ठीक है, अब सी क्या मिडिल पॉइंट, तो हम एक कंसेप्ट पढ़े थे आपको याद हुआ होगा वो कंसेप्ट, मतलब क्या हो गया ये जो सी जो है सी ये दोनों को क्या क्या इक्वल डिवाइड करता है, इफ सी इज एनी मिडिल पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड ए बी, तो हम पढ़े थे ना इंटरनली और एक्सटर्नली कर रहे, वही कंसेप्ट यहाँ पे देखना है, कंसेप्ट अप्लाई नहीं करना है बस, अब इसमें वेक्टर का क्या खेल है, इसमें वेक्टर का क्या खेल है वो हम देखते हैं, ठीक है, तो पी को ये पॉइंट मान लिए, तो अब पी सी को हम क्या मिला देते हैं, पी सी को मिला दिए तो क्या हुआ, देखिए पी एक वेक्टर बन गया, ठीक है, पी एक वेक्टर बन गया, पी सी एक वेक्टर बन गया, ठीक है, उसके बाद पी बी एक वेक्टर बन गया, ठीक है, और कुछ है नहीं, देखिए यहाँ वेक्टर के फॉर्म में दिया ना पी ए पी बी पर ए बी सब क्या वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, और ये एक वेक्टर बन गया, ठीक है, और क्या हो गया बी सी एक वेक्टर बन गया, ठीक है, सी से बी एक वेक्टर बन गया, कुछ इस टाइप से वो दिया है, ठीक है, ठीक है, एक दो आप करिएगा थर्म कर लीजिएगा, ठीक है, थर्म बोलता है इफ सी इज द मिड पॉइंट है, सी अगर मिड पॉइंट है मतलब क्या दोनों को इक्वल भागों में बांटा है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम ट्रायंगल लॉस जानते हैं कि अगर इस तरह से कोई ट्रायंगल लॉस दिया रहता है, इसे अगर ये ए है बी है और सी है, हाँ तो हम लिख सकते हैं ए बी वेक्टर, देखिए ए से बी जा रहा है तो ए बी वेक्टर प्लस बी से सी जा रहे हैं तो बी सी वेक्टर, एरो देखिए किधर है इक्वल टू, ये उल्टा है ना, तो अगर यहाँ माइनस लिखेंगे माइनस लिख के माइनस इक्वल टू जीरो करेंगे, जीरो करेंगे जीरो को उधर जाएगा तो क्या होगा ए सी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, बस वही हमको यहाँ करना, ये वेक्टर देख लीजिए, ये देख लीजिए क्या लिख सकते हैं इसको, पी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू सी सॉरी पी सी वेक्टर लिख सकते हैं इसको, यहाँ हो गया, ठीक है, अब उसमें दूसरा हम देखते हैं इसमें देख लिए, ठीक इसका ये, अब हम क्या करते हैं इसका देखते हैं, ठीक इसमें क्या लिखेंगे, हाँ पी सी वेक्टर, ठीक है पी सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, प्लस सी बी वेक्टर इज इक्वल टू पी बी वेक्टर, ठीक है पी वेक्टर यहाँ तो हो गया, अब हम क्या बोल रहा है आउटसाइड, तो हमको पूछा रिलेशन पूछ रहा है क्या हो, ठीक है हमको क्या पूछा रिलेशन पूछ रहा है इसमें क्या होगा, अब देखिए हम क्वेश्चन में क्या बोला है कि C इज अ मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है इसका मतलब क्या कि AC वेक्टर और CB वेक्टर क्या आपस में बराबर है, हम कैसे कर दें कि क्वेश्चन दिया है कि C क्या है मिडिल पॉइंट है, देखिए क्वेश्चन अच्छा है मिडिल पॉइंट बोल दिया, इसका मतलब क्या मिडिल पॉइंट को जिसका मिडिल पॉइंट क्या है उसका बीच वाला भाग, मतलब ये दोनों को इक्वल भागों में डिवाइड करता है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का दोनों इक्वल होगा, तो हम दोनों इक्वल कर लिए, ठीक है इक्वल कर दिया, अब क्या होगा एसी वेक्टर, अब एसी वेक्टर यहाँ से निकाल सकते हैं, एसी वेक्टर यहाँ से निकाल के यहाँ डालेंगे क्या होगा पीसी वेक्टर माइनस पीए वेक्टर, ठीक है इक्वल टू सीबी वेक्टर, सीबी वेक्टर यहाँ से निकाल देते क्या लिख सकेंगे पीबी वेक्टर माइनस पीसी वेक्टर लिख सकते हैं, अब इक्वल टू इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए पी सी माइनस पी सी इधर आ गया तो टू पी सी पी सी वेक्टर ये हो गया पी बी वेक्टर प्लस पी ए वेक्टर, तो ये हमारा आंसर हो गया, आंसर देखिए किसी में हाँ पी ए प्लस पी वेक्टर प्लस टू सी, तो ये मेरा सही हो गया, ठीक है खुद से ट्राई करना मैथ है, जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा सवाल हिलने वाला नहीं है, देखिए अगर रट के जाइएगा कि नहीं हम रट लिए तो रटने से नहीं होगा, आप इसको बनाइए जो अभी हम जो बता रहे हैं पहले खुद से बनाइए, नहीं बनता सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखने के बाद खुद से एक बार मन में सोचिए फिर ट्राई करिए, फिर आप देखिए बोलता है द लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ पॉइंट अंडरस्टूड पॉइंट है द लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी हुज टू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड क्या होता है एडजेसेंट साइड को देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसी में देख लीजिए ये एक वेक्टर हो गया,
ये एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर हो गया, ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है। जब मान लीजिए अगर ए बी वेक्टर है और ये मान लीजिए ए डी वेक्टर है, तो ये क्या हो गया, दोनों दिख रहे हैं इनिशियल, मतलब इस तरह से स्टार्ट, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, तो इसको क्या कहता है, इसको क्या, फिर इसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड, दोनों क्या है एक दूसरे का एडजेसेंट साइड पे, एडजेसेंट साइड पे क्या, ठीक है। आर एस फोर्टी इतना देना, जहाँ पूछा क्या लेंथ ऑफ डायगोनल, ठीक है, बोलते द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए सी पैरेललोग्राम, ठीक है, एक पैरेललोग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, कौन सा है, ए बी सी डी, तो ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। द लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी, लेंथ पूछ रहा है इसका, पूछ रहा है इसका लेंथ, पूछ रहा है इस वेक्टर की लेंथ, पूछ रहा है द लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी हुज टू एडजेसेंट साइड ए बी एंड ए डी आर दिया, मतलब ये दोनों साइड ए बी एंड ए डी, ये दोनों साइड हमको दिया हुआ, कितना दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दिया हुआ टू आई प्लस फोर जे माइनस फाइव के कैप, ठीक है, और ये साइड कितना दिया हुआ है, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप हमको दिया हुआ। तो हमें पूछा ये, तो हम पैरेललोग्राम लॉ जो पढ़े थे शुरू में, शुरू में हम क्या पढ़े थे कि जब भी दो को इनिशियल वेक्टर हो, तब जब भी दो को इनिशियल वेक्टर का सम करेंगे तो क्या होगा, उसका डायगोनल होगा। अब पैरेललोग्राम लॉ शुरू बोलते हैं, दो को इनिशियल वेक्टर है ए बी और ए डी, क्या दो को इनिशियल, को इनिशियल मतलब क्या, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है, तो लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर, लिख सकते हैं। तो हमको उसका क्या निकालना है, लेंथ करेंगे, लेंथ निकालना, लेंथ, लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ निकालना, इस वेक्टर का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो पहले ए बी प्लस ए डी जोड़ दे, तो ठीक है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, दो एक तीन, थ्री आई कैप प्लस फोर जे प्लस टू जे, फोर सिक्स जे माइनस फाइव प्लस थ्री प्लस टू के कैप, हमको निकल गया क्या, ए सी वेक्टर निकल गया, तो यही हो गया, नहीं हमको तो ये वेक्टर निकल गया। अब इस वेक्टर का हमको लेंथ निकालना है, लेंथ निकालना है मतलब क्या, कि हमको वेक्टर वेक्टर के चक्कर से निकलना है, तो हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, लेंथ निकालना है मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड निकालना। तो हम जानते हैं कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड करेंगे तो अंडर रूट जो भी है सबका होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या होगा, थ्री का होल स्क्वायर प्लस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आपका आ जाएगा। अब ये मत आशा छोड़िएगा कि हम छोड़ते हैं, अभी छोड़ आपको करना है, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन में देखते हैं, द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। अब दो वेक्टर पैरेलल, ये हम नहीं बताए थे इसलिए यहाँ पे कंसेप्ट लिख दिए, कि दो वेक्टर पैरेलल हो या दो वेक्टर कोलिनियर हो, लिखिएगा पैरेलल या पैरेलल या कोलिनियर, मतलब दो वेक्टर पैरेलल हो या कोलिनियर हो, तब क्या होता है, आप देख लीजिए देते हैं आपको, अगर दो वेक्टर कभी पैरेलल हो, ऐसे पैरेलल हो या दो वेक्टर कोलिनियर हो, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए वेक्टर ए, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री, इसको आप अपने नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। वेक्टर बी इक्वल टू बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, अगर मान लीजिए ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है या कोलिनियर है, तब कंडीशन क्या होता है कि ए वन अपॉन बी वन इक्वल टू ए टू अपॉन बी टू इक्वल टू ए थ्री अपॉन बी थ्री होता है, इसे याद कर लेना, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं, शायद मेरे टाइम में भी इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन होता है, अब यही कंडीशन का अप्लाई करके ये क्वेश्चन आपके लिए खुद से करना है, ठीक है। करिए क्या बोलते था, वैल्यू ऑफ लैम्डा पूछ रहा है व्हेन ए एंड बी क्या पैरेलल है, पैरेलल मतलब क्या, पैरेलल इसका मतलब क्या, इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं टू अपॉन एट, आप सोचिएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस थ्री अपॉन लैम्डा प्लस वन अपॉन फोर, सॉरी प्लस में इक्वल, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, टू लैम्डा इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर, ठीक है। कैसे किया, ये दोनों को एक बार ये दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये दोनों को सॉल्व करेंगे, हाँ लैम्डा को लिए दो निकलेगा, तो क्या टू लैम्डा माइनस ट्वेंटी फोर, लैम्डा निकल गया माइनस ट्वेल्व हो गया, दूसरा इससे निकालते हैं क्या हो गया, माइनस ट्वेल्व इक्वल टू लैम्डा, और दोनों सेम ही निकल गया, तो मतलब दोनों सेम ही निकल गया, मतलब क्या लैम्डा वैल्यू क्या होगा, माइनस ट्वेल्व होगा, इसका आंसर, आंसर दिया नहीं, आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर पाँच पे आते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पाँच बोलता है, बोलता है इफ वेक्टर वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी आर वेक्टर क्या होता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड देन बिहार, सिंपल है, बोलता है क्या, एक वेक्टर हमको दीजिए, जैसा कंसेप्ट क्या सुनिएगा, अगर मान लीजिए आपको वेक्टर को ए बी दिया है और एक वेक्टर दिया है बी सी, दो वेक्टर है, बोलता है ये दोनों वेक्टर जो इक्वल है,
लेकिन किस में, दोनों का मैग्नीट्यूड में, दोनों का मैग्नीट्यूड में दोनों का इक्वल है। सिंपल है कि दोनों वेक्टर दिया हुआ है, दोनों वेक्टर का हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है। अब वेक्टर बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे क्या निकालेंगे, अंडर रूट पी का होल स्क्वायर प्लस, और के नहीं है, नहीं के नहीं, चलिए कोई बात नहीं, के नहीं इतना कर देंगे। अब दोनों को इक्वल कर देंगे, जब दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस फोर प्लस नाइन इक्वल टू अंडर रूट पी प्लस थर्टीन, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट हट जाएगा, तो बचेगा पी स्क्वायर प्लस फोर प्लस नाइन इक्वल टू पी प्लस थर्टीन, ठीक है। तो यहाँ नाइन फोर थर्टीन हो गया, ये थर्टीन कैंसिल आउट हो गया, इसको हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस पी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे क्या, पी अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, पी इंटू पी माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए यहाँ से दो वैल्यू निकल गया, या तो या पी इक्वल टू जीरो होगा या पी इक्वल टू वन होगा। अगर ये दोनों वैल्यू डालेंगे तब हाँ ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इसका पी का वैल्यू निकल गया हमको दोनों, ठीक है। ये भी हो गया जिसके जीरो और दो, ये है सही होगा आंसर, जीरो और वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स हमको क्या बोलना है, मतलब इफ थ्री आई माइनस टू जे प्लस फाइव के एंड ये वेक्टर आर कोलिनियर, बस वही कंसेप्ट है। हम ये क्वेश्चन बनाएंगे नहीं, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना, पी एंड क्यू का वैल्यू निकालना है, बस वही बोले कोलिनियर हो या पैरेलल, लिखे हिंट दोनों का क्या करना, ए वन अपन बी वन हो या जो भी हो, तो ए वन अपन क्या लिखे है ना, ए वन अपन बी वन ए टू जो भी अपना दिया हो अपना कर लेना है। तो यहाँ से क्या करना, करने के बाद एक बार इधर कर लेना है, एक बार इधर कर लेना है, ठीक है। आपको इसको करना है, उसके बाद आपको जो आंसर है आप उसको कमेंट में बता दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। आपको ये खुद से करना है। अब दूसरा फिर साधारण क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैथ अगर खुद से नहीं करिएगा, कम से कम चार पांच सवाल भी, कम से कम चार पांच सवाल तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम तो बोलते हैं जितना करना है बहुत अच्छा बात है। चलिए आगे देखते हैं, समय कम है। मतलब इफ वेक्टर इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर देन एक्स का वैल्यू बोलता है, मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, मान लीजिए ये जो दिया हुआ है इस वेक्टर को मान लेते हैं वेक्टर ए, ठीक, जो क्या दिया हुआ है टू आई प्लस जे माइनस फोर के क्या, और एक वेक्टर दिया हुआ है उसको मान लेते हैं वेक्टर बी टू आई प्लस कौन सा है, हाँ एक्स जे है ना, सॉरी अलग क्वेश्चन ले लीजिए, वेक्टर बी इसको मान लेते हैं क्या होगा I प्लस एक्स जे प्लस के। हमको क्वेश्चन बोलता है कि इफ वेक्टर ये एंड ये आर परपेंडिकुलर देन एक्स, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तब क्या होता है, तो हम जानते हैं एक कैसे जानते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब आप पूछिएगा सर आप डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं, तो देखिए हम जानते हैं समय कम है और प्रैक्टिस भी बहुत कम है, पर प्रैक्टिस करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये सब समझ में आया था, हाँ कम कौन सा अप्लाई करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा बोलता है क्या, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर अगर 90 डिग्री ये जीरो, ये टोटल जीरो हो गया, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसको डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, आई को आई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा टू, जे को जे से मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब उतना लंबा चौड़ा कौन करेगा, बस आई को डॉट को आई को आई कर दो, जे को जे कर दो, के कर दो, मतलब साइन के साथ, ठीक है। अब इधर आ गया, साथ भी हो गया। बोलता है आठवां आते हैं, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इस थीटा, मतलब अच्छा ए ए और बी को भी दो वेक्टर है, उसके बीच का एंगल हमको दिया है ना, साइन थीटा पूरा सिंपल है, साइन थीटा। अब साइन थीटा कौन सा प्रॉब्लम आता है, हाँ साइन थीटा फॉर्मूला आता है जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर का, क्या होता है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा, यहाँ डायरेक्शन को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो सबको साइन थीटा निकालना, तो बोलता है क्या, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज थीटा देन साइन थीटा, साइन थीटा पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ साइन थीटा निकालेंगे, यहाँ ले आते हैं, तो साइन थीटा यहाँ से क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। हाँ तो हम दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी पीछे से, आप देखिए ये सब क्वेश्चन हम उसको छोड़ रहे हैं ताकि आप करें आपका प्रैक्टिस बने। तो आप ए क्रॉस बी निकालना सीख चुके हैं, पहले भी सिखा चुके हैं, और मॉडुलस निकालना भी सीख चुके हैं। तो आप देखते हैं वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, तो आई जे करके डिटरमिनेंट मैट्रिक्स को बना लेना है, ठीक है।
और उसके बाद दोनों का मॉडुलस निकालना भी अंडर रूट होल स्क्वायर करके निकाल लेना है। आप सबका वैल्यू डाल दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ये नॉन बुक क्वेश्चन देते हैं, मतलब इफ पोजिशन वैक्टर ऑफ ए एंड बी आर इतना, देन ए बी। सिंपल है, जब भी देखिए पोजिशन वैक्टर दिया है, पोजिशन वैक्टर दिया है, तो मान लीजिए पोजिशन वैक्टर क्या बोलेगी कि ओरिजिन से मानते हैं ओरिजिन ए है, हाँ तो हम बोले तो पोजिशन वैक्टर कहाँ से मानते हैं ओरिजिन से, तब मान लेते कोई पॉइंट ए है कोई पॉइंट बी है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है इफ पोजिशन वैक्टर ऑफ ए एंड बी आर इतना, मान ली पोजिशन वैक्टर हम ओरिजिन से मानते हैं, पोजिशन वैक्टर ए का कितना है और बी का कितना है, दोनों हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो इफ पोजिशन वैक्टर ऑफ ए एंड बी आर इतना, देन ए बी पूछना क्या होगा, ए बी वैक्टर पूछना क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ए बी वैक्टर दिया रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं ओरिजिन से ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, मतलब पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, ठीक है। कर देना आप दोनों को, आप इसको इसमें से घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दसवां क्वेश्चन बात है, बोलता है इफ थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देन कॉस थीटा, सिंपल है, बस वही जैसे सेंटेंस हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा यहाँ से निकल जाएगा क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। अब ए बी आपको निकालना है, इधर को डॉट इधर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, थ्री प्लस फोर सेवन, सेवन प्लस थ्री टेन, टेन ऊपर टेन हो जाएगा, टेन अपॉन इसका मॉडुलस चलेगा कितना हो गया, नाइन फोर थर्टीन प्लस वन फोर्टीन, फोर्टीन कितना हो गया, मॉडुलस वे अंडर रूट फोर्टीन डॉट और इसका कितना हो गया, नाइन फोर फोर्टीन, नाइन फोर फोर्टीन इसका सिक्स फोर्टीन, दोनों सेम ही है क्या, वन टू थ्री, थ्री टू वन, हाँ सेम ही है। तो आप इसको रूट कितना हो गया, टेन अपॉन फोर्टीन, आप इसका अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन थे जो वेक्टर के, जो मेनली इसी से इससे ज़्यादा नहीं आ सकता है, आप इसको अच्छे से कर लेना है, पहले खुद से करना है, फिर उसके बाद कोई दिक्कत हो तो आप सोल्यूशन देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम हेल्प करेंगे, ठीक है। तो वेक्टर ख़त्म करते हैं, थ्री डी स्टार्ट करेंगे हम, चलिए तब तक पढ़िए इसको अच्छे से।